अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं रिंग लाइट और स्टैंड का रिव्यू दूंगी। और ये जो रिंग लाइट है, ये हमारे घर के पास ही एक मार्केट खुली है, बहुत ही प्यारी, तो ये वहाँ से मिल चुकी है और उस मार्केट से यूट्यूब का सारा सामान मिल जाता है। अब हमें ऑनलाइन जो है वो मंगवाना नहीं पड़ता। तो यूट्यूब की एक बहुत ही बड़ी मार्केट हमारे घर के करीब है अब तो, और सब जो है यूट्यूब पर यहीं से सामान मिल जाता है। तो अब जो जो मैंने रिंग लाइट ली है और इसके साथ स्टैंड है, और स्टैंड और रिंग लाइट दोनों को मिलाकर 2,000 रुपये में ये मुझे मिल चुका है। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मेरा जो स्टैंड है वो टूट चुका था और उसकी उसमें जो है फ़ोन गिर जाता था। तो ये जो मैंने स्टैंड लिया ये बहुत ही मजबूत है और इसमें मोबाइल गिरने का कोई ख़तरा नहीं होता। और इसके साथ रिंग लाइट है जिससे बहुत ही प्यारी वीडियो बनती है। और ये स्टैंड जो है ये फ़ोल्ड भी हो जाता है, इसे हम कहीं भी रख सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं, क्योंकि मैं तो फ़ोल्ड करके इसे अलमारी में रखती हूँ। और इससे जो है वीडियो आराम से बन जाती है, अब किसी को बोलना नहीं पड़ता। पहले बच्चों को बोलना पड़ता था कि वीडियो बनाते हैं, मेरी तो कभी बच्चे बनाते थे और कैमरा हिला हिला कर बनाते थे। तो अब जो है मैंने ये स्टैंड लिया है, तो अब इससे मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता कि मेरी वीडियो बनाते हैं। तो अब जो है आराम से वीडियो बन जाती है और मोबाइल भी इसे नहीं गिरता, क्योंकि ये स्टैंड जो है वह मजबूत है। और ये स्टैंड के साथ रिंग लाइट हमें लेनी पड़ती है, वरना जो है मोबाइल नहीं लगता। ये जो रिंग लाइट के अंदर ही मोबाइल लगने की जगह होती है और इसी के अंदर फिर लगता है। वैसे हमारे घर में जो इतनी रोशनी आती है, तो रिंग लाइट की कोई हमको मुझे रिंग लाइट नहीं लगानी पड़ती थी। यहाँ पर रिंग लाइट मैंने इसलिए लिया क्योंकि साथ में जो है मोबाइल लगने की जगह इसमें थी। और ये दोनों चीज़ें हमें 2,000 में मिल चुकी हैं। और इससे वीडियो बनाना जो है बहुत ही आसान है। इसकी हाइट भी लंबी हो जाती है स्टैंड की, अगर हम अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं तो स्टैंड इसका लंबा हो जाता है। और अगर हम जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो फिर जो है इसका फोकस नीचे भी हो जाता है मोबाइल का। तो आराम से ये हम कहीं भी रख कर आराम से वीडियो बना सकते हैं। तो अब जैसे मैं रेमडी की वीडियो बनाती हूँ तो उसका फोकस जो है मोबाइल का बिल्कुल नीचे है, तो आराम से ये बन जाती है। तो इस तरह से हम आराम से वीडियो बना सकते हैं, मोबाइल कहीं भी घुमा सकते हैं ये स्टैंड, और फिर जो है वो आराम से वीडियो बन जाती है और फिर हिल हिल कर नहीं बनती। जैसे हाथ में पकड़ कर मोबाइल हम वीडियो बनाते हैं तो वो ज़्यादा हिल हिल कर बनती है, और स्टैंड में लगा देने से ये है कि एक जगह पर आराम से बन जाती है। और इसकी रिंग लाइट जो है ये तेज़ भी हो जाती है और आहिस्ता भी हो जाती है। तो इसे वैसे हम मैं रिंग लाइट जो है वो लगाती नहीं हूँ ज़्यादातर, क्योंकि हमारी विंडो से बहुत ज़्यादा रोशनी आती है। और अभी जब मैं ये रिंग लाइट लगा रही हूँ तो मैंने खिड़की दरवाज़े बंद करके और जो कमरे की लाइट है वो भी बंद कर कर ये रिंग लाइट दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये तेज़ भी हो जाती है और आहिस्ता भी हो जाती है। लेकिन रिंग लाइट लगा कर वीडियो बनाने से जो है वीडियो ज़रा अच्छी बनती है। और ये फ़ोल्ड करने से बहुत ही आसान होता है। फ़ोल्ड करने का ये होता है कि इंसान कहीं भी रख सकता है। अब हर वक्त सामने अगर कैमरा पड़ा हो तो फिर वो एक तो ख़राब भी हो जाता है, दूसरा अच्छा भी नहीं लग रहा होता कि सामने हर टाइम कायम कैमरा हो। तो फिर इसे मैं फ़ोल्ड करके ज़्यादातर अलमारी के अंदर ही रखती हूँ। तो हमारे घर के पास जो है ये दुकान खुलने का बहुत ही फ़ायदा है। यहाँ हर चीज़ यूट्यूब की मिल रही है, यूट्यूब का स्टैंड और जो सी भी चीज़ें होती हैं यूट्यूब की सारी वो है इस दुकान से मिल जाती है, माइक मिल जाता है। और ये चीज़ें हम ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और वैसे और ऑनलाइन मंगाने पे कुछ दिन वेट करना पड़ता है, फिर एक हफ़्ते का टाइम होता है, एक हफ़्ते बाद ही ये चीज़ें मिलती हैं। और जब ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसमें थोड़ी चीज़ें कुछ ख़राब भी दे देते हैं, और जब हम खुद जाकर लेते हैं जो चीज़ वो ठीक आती है। क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें पहले मंगाती थी, तो ऑनलाइन में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ख़राब होती हैं, एक दिन भी यूज़ नहीं होती और फिर वो ख़राब हो जाती हैं, और ना फिर उससे हम वापस भी नहीं करा सकते। और हम जब खुद जाकर चीज़ लेते हैं तो फिर देख कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो फिर वो ख़राब होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा ये मसला होता है कि चीज़ें जो हैं वो कुछ दिन चलती हैं फिर ख़राब हो जाती हैं। ऑनलाइन की बस ये आसानी होती है कि घर बैठे चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन फिर वो चीज़ें जो होती हैं वो कभी सही निकल आती हैं और कभी जो है वो ख़राब ही चीज़ें देते हैं। और इस स्टैंड की जो है वो कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 2,000 रुपये है। और इससे वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। इसकी हाइट लंबी छोटी हम कर सकते हैं, जैसे हम अपनी वीडियो बनाते हैं तो फिर इसकी हाइट लंबी करनी पड़ती है,
और जैसे दूसरी वीडियो होती है तो फिर इसको नीचे करके आराम से वीडियो बन जाती है। तो ये रिंग लाइट का बॉक्स है और इसकी कीमत जो है वो 1100 है, लेकिन हमें 900 में ये रिंग लाइट मिली है। इसमें सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है।